अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परवीन फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज मैं खुद अपने आप पर ना रश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ लाए हैं और कहाँ जाने की सआदत अता फरमाई है। ये चीज़ पैसों से नहीं होती, बस किस्मत से होती है। जिसकी किस्मत में होता है, कहते हैं ना कि जब बिल्कुल जब आपकी किस्मत में लिखा होता है ना, आपके हाथ में पैसे ना भी हों तो अल्लाह ताला अपने पास बुला लेते हैं। तो बस अल्लाह ताला का मैं लाखों करोड़ों शुक्र अदा करूँ ना, फिर भी मैं नहीं अदा कर सकती। जब मैंने पहली दफ़ा खाना काबा को देखा तो मेरी आंखों से ऐसे ज़ारों कतार आंसू निकल रहे थे कि अल्लाह मैं बंदी तेरे दर पे आ गई। तो बस अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं, जो लोग चाहत रखते हैं, अल्लाह ताला उनको बुलाएं और अपना घर दिखाएं, आमीन। और जो जो यही दुआ किए कि अल्लाह जिस जिस बंदे ने हमें दुआ के लिए कहा है उन सब की दुआएं कबूल करना, और जिसको हम उनकी भी पूरी करना। और अगर जिनकी हम लोग दुआ भूल भी गए हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों के हाल हम आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपने उनके सारी दिली मुरादें पूरी करनी है। तो बस यहाँ पे हम जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पे। रात को हम लोग लेट पहुँचे थे, तो तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे पहुँचे थे। तो फिर हम लोगों ने जाते सारी नुमान ने कहा, क्योंकि इन्होंने एहराम वगैरह बांधे हुए थे, नुमान ने कहा कि नहीं हम लोगों ने ना उमरा करना है। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। देखें ये नुमान, फरहान और सारिम, और देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और मामा नीचे नहीं कर सकती थी क्योंकि मामा के ना घुटने में बहुत ज़्यादा पेन था। तो फिर मामा को हम लोगों ने ऊपर चेयर पे बिठा के ना कहा कि आप यहाँ पे कर ले, और हमारे साथ थोड़ी सी ट्रेजडी भी होगी, पर कुछ नहीं होता। जब अल्लाह के घर में आए ना तो ऐसा होता रहता है। मामा का फ़ोन गुम हो गया हमारा, बल्कि पूरा बैग गुम हो गया था जिसके अंदर फ़ोन था, काफ़ी चीज़ें। हाँ जी, चोरी नहीं होता, गुम हो जाता है। तो वो मामा का फ़ोन था, उसमें हमारी और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें सारी हमारी ना गुम हो गई। तो इसलिए अगर किसी के साथ मामा रब्ता ना करे तो ये नहीं सोचना कि वहाँ जाके भूल गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये कि उनके ना नंबर नहीं, और बल्कि वो खुद अब हम पाकिस्तान जाएंगे, वो दूसरी सिम निकलवा के फिर हम लोग इंशाल्लाह फ़ोन करेंगे, तो फिर जिस जिसने रब्ता करना वो खुद रब्ता कर सकता है। हाय, तो यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा दिली सुकून मिल रहा था। और यहाँ पे मामा आपको कुछ सुनाना चाहती हैं। मन कंधा नंगा खड़ा तुझे अपना, और यहाँ पे ये है तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफ़र बिता करना होता है। 7 किलोमीटर पहले भी जाते थे, 10 किलोमीटर तो ये पूछ लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हम बता रहे थे कि किसान ने मुझे कहा कि एक पूरा चक्कर लगा के आपके साइड पर एक चक्कर बनेगा, तो ऐसा नहीं है। तो माशाल्लाह करके मिल रहा था, थोड़ी सी परेशानी भी होती थी क्योंकि फरहान भी थोड़ा सा हमें तंग कर रहा था, हमारे साथ नहीं था।
था, बच्चे भी थे हमारे साथ, और सुबह सारी रात भी नहीं सोए थे, सारा दिन भी नहीं सोए थे। हम तो बड़े थे, हम तो कंप्रोमाइज कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह का घर ऐसा होता है, उसको देख के आपकी नींदें वैसे ही उड़ जाती हैं। तो ये है, और यहाँ पे दो नवासिल पड़े जाते हैं, अक्सा को वाल दो अक्सा जी मकाम इब्राहिम के। हाँ जी, बस अभी हम लोग ऊपर जाने लगे क्योंकि मामा ऊपर बैठे हुए हैं। आ जाओ, ये है जी क्लॉक टावर। हाँ जी, जो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? हाथ लगाया, उसको चुना, उसके साथ अपने आप को लगाया, और मेरी बहुत ज़्यादा ये भी विश थी कि मैं जाऊँ सब कहीं बोल सा दूँ, पर वो नहीं दे सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मर्द थे, तो वहाँ पर दो साथ नहीं लेके गए। वहाँ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा काम करवा दिया मैंने, अपना काम करवाने का फायदा नहीं हुए, रसद के बोसा दे के आना, तो ऐसा ही हुआ जब हम लोग गए बात भी ना और बुरा मना के लगा करना शुरू हो गया। और ये लोग हम लोग बल्कि हम लोग घर को जब तक जा रहे हैं हरम शरीफ के अंदर, अजान हो रही है, मैं विश होती है ना कि मैं जी मैं आपको पूरी तरह सुनाऊंगी, जाऊं हरम शरीफ में, जाऊं सुनने के लिए बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर आपको और जी यहाँ से ना हरम शरीफ में जाते हैं, और वहाँ से वो लोग जाते हैं, ये बताते हैं वो ऊपर तवाफ़ करते हैं बड़ा, और हाँ जी जो बड़ा तवाफ़ है जो लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब जो लोग पैदल नहीं कर सकते व्हील चेयर काम यूज़ करने के लिए, और यहाँ से नीचे से, और हम लोग आज कह रहे हैं कि हम लोग नीचे जाते हैं। दो दफ़ा बिरयानी ले ली, देखिए कितना प्यारा मंजर है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों ने खाया, अल्लाह का लाखों शुक्र किया। हाँ जी, तो यहाँ आके तो एक और ही तरह का सुकून मिलता है ना, सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाँ जी, तो अल्लाह ताला जिस जिस बंदे की ये दिली मुरादें अल्लाह ताला पूरी करे, अपना घर बंदे को दिखाए, तो अल्लाह हाफिज़।